ओके तो बॉटनी सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 101 to 135 फर्स्ट क्वेश्चन इज अमंग यूकैरियोट्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक प्लेस इन. तो हमें पता है कि जो रेप्लिकेशन होती है मीन्स डीएनए सिंथेसाइज होता है वो एस फेज में होता है, तो इसका आंसर आएगा एस फेज. नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलुलोज डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर विद आयोडीन बिकॉज, तो इसका आंसर आएगा क्योंकि जो सेलुलोज होता है उसमें कॉम्प्लेक्स हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं होते जिससे ये आयोडीन होल्ड नहीं कर पाते. ठीक है, तो इसका आंसर सेकेंड आ गया. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि जो जीन गन मेथड है, इन जीन गन मेथड यूज टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू होस्ट सेल माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ डैश मेटल्स आर यूज. तो जीन गन मेथड में टंगस्टन और गोल्ड के जो मेटल के जो पार्टिकल्स हैं वो यूज किए जाते हैं बॉम्बार्ड करने के लिए डीएनए जो हमने एंटर करवाना है जिसको हम रिकम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं. ओके, उससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टैसल्स इन द कॉर्न कॉप. तो जो टैसल्स होते हैं कॉर्न कॉप के, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं कॉर्न कॉप के, वो पोलन ग्रेन्स को ट्रैप करने का काम करते हैं क्योंकि वो एज अ स्टिग्मा वर्क कर रहे होते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज एजर्शन एंड रीजन. ओके, एजर्शन एंड रीजन क्वेश्चन है. तो हमारा एजर्शन है लेटवुड हैज फ्यूअर जाइलम एलिमेंट विद नैरो वेसल्स, एंड इसका रीजन है कैम्बियम इज लेस एक्टिव इन विंटर. तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो राइट हैं एंड एक दूसरे की जो रीजन है वो एजर्शन की जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. तो हमारे पास इसका आंसर आएगा बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी द अर्थ समिट वॉज हेल्ड इन रियो डी जनेरियो इन द ईयर. कौन से ईयर में ये चीज हुई थी, द अर्थ समिट जो है वो कब किस ईयर में रियो डी जनेरियो में हेल्ड हुआ था. तो वो उसका आंसर आएगा 1992. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 3. तो हमें पता है आरएनए पॉलीमरेज 3 जो यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन करवाता है, तो वो ट्रांसक्रिप्शन करवाता है, टीआरएनए बनाता है, 5 SR RNA बनाता है एंड SNRNA बनाता है. ठीक है, तो इसका ये